सीआरपीएफ बल्लारशाह के निरीक्षक एमके मिश्रा और चंद्रपुर के निरीक्षक नवीन प्रताप सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन क्रमांक 12578 बागमती एक्सप्रेस से चार युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोना चांदी और 14,52,100 रुपए नगद सहित कुल 2,10,67,97 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी मेहताब आलम बदरुल जहांगीर खान मोहम्मद सुभान वाहिब और दिलकश मोहम्मद आरिफ है। ये सभी अररिया बिहार के निवासी हैं। निरीक्षक मिश्रा और नवीन प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शनिवार को उन्हें नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ सूचना दी कि चार संदिग्ध व्यक्ति त्रिपुर में सोने की दुकान से सेंधमारी कर त्रिपुर से चेन्नई और चेन्नई से ट्रेन नंबर 12578 से दुकान का सोना चांदी और नगद रुपए लेकर भाग रहे हैं। आप लोग उक्त ट्रेन को चेक करें और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों को पकड़े। उक्त सूचना के आधार पर उन्होंने उप निरीक्षक प्रवीण महाजन, उप निरीक्षक प्रवीण गाडवे, सहायक उप निरीक्षक डी के गौतम, सहायक उप निरीक्षक रामलखन, प्रधान आरक्षक रामवीर सिंह, प्रधान आरक्षक डी एच डोबल, प्रधान आरक्षक जितेंद्र पाटिल, आरक्षक पवन कुमार, शिवाजी कन्नौजिया, देशराज मीना, मोहम्मद अंसारी, हरिंदर कुमार, रूपेश कुमार, ललित कुमार, श्याम सुंदर पवार के साथ टीम बनाकर बागमती एक्सप्रेस जैसे बल्लारशाह में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 9:47 पर पहुंची, जांच आरंभ कर दी। खचाखच भरी ट्रेन में आरोपियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने तलाशी के दौरान एक संदिग्ध को S7 कोच से, दूसरे को S9, तीसरे को ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से भागते हुए और चौथे को AC3 में बर्थ पर लेटे हुए पकड़ा। आरोपियों ने सारा सामान अलग अलग सीटों के नीचे अलग अलग कोचों में छिपा कर रखा था, जिसे अथक प्रयास से बरामद कर लिया गया। उनके पास से 5 पिट्टू बैग और 2 नीले पीले रंग की बोरी बरामद हुई, जिसमें सोना चांदी और रुपए भरे थे। कार्रवाई के लिए ट्रेन को करीब 40 मिनट यहां रुकना पड़ा। बैग और बोरियों में भरे सामान को खाली कर उसमें से सोना चांदी और पैसों को अलग अलग किया गया। बैग में पाए गए सोना चांदी जो कि प्लास्टिक की थैलियों में भरे हुए थे, उन्हें थैलियों से निकाल कर वजन किया गया, जिसमें 3,306.710 ग्राम सोना अंदाजन कीमत 1,76,57,831 रुपए, 27.972 किलोग्राम चांदी जिसकी अंदाजन कीमत 19,58,040 रुपए और 14,52,100 रुपए नगद निकला। उक्त संबंध में तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किया गया है। उनके आने के बाद उक्त पकड़े व्यक्ति और बरामद संपत्ति अगली कार्रवाई हेतु उनके सुपुर्द की जाएगी। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को माल के साथ पकड़ने के लिए चंद्रपुर और बल्लारशाह RPF की तमिलनाडु पुलिस आयुक्त ने तो प्रशंसा की है, यहाँ भी उसकी तारीफ हो रही है। आज सुबह करीब 9 बजे हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे सर ने मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो और फोटोज भेजी और उन्होंने बताया कि चार संदिग्ध लोग जो चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है, वो चेन्नई के पास से ही एक ज्वेलर साहब का सोना चांदी और रुपए लेकर के ट्रेन नंबर बागमती एक्सप्रेस से जा रहे हैं। आप एक टीम बना करके और IPF चंद्रपुर की मदद से उनको तलाश करें। ट्रेन लगभग 9:47 पर बल्लारशाह के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई। मैं, मेरे साथी इंस्पेक्टर चंद्रपुर नवीन प्रताप सिंह और 10-12 स्टाफ ने अलग अलग टीम बना करके ट्रेन के सभी डब्बों में तलाश चालू की। पहला व्यक्ति हमें S7 में, दूसरा S8 में, तीसरा S10 में और चौथा व्यक्ति हमें AC2 में मिला, एवं उनके बैग भी जो CCTV में दिखाई दे रहा था कि उनके पास जो बैग और थैली है वो अलग अलग कोचों के अलग अलग सीटों के नीचे छुपा कर रखा था। उनसे तुरंत कुछ मिनट में ही पूछताछ करके और पूरा प्रयास करके पूरे स्टाफ ने पूरी शिद्दत से और तलाश किया और उनके पास से 5 पिट्ठू बैग और 2 नीले और पीले रंग की प्लास्टिक की गोनियाँ मिली। उनको उतार करके थाने पर लाए और पंचों को बुला करके उनके समक्ष चेक किया गया तो 3 पिट्ठू बैग में उनके पहनने के कपड़े, 2 पिट्ठू बैग में और 2 गोनियों में सोना चांदी और रुपए बरामद हुए। उसको हमने अलग अलग किया
अलग अलग करने के बाद करीबन 3 किलो 306.710 मिलीग्राम सोना, जिसकी कीमत अंदाजन 1,76,57,831 रुपये 27.972 किलोग्राम चांदी, जिसकी कीमत 19,58,040 रुपये एवं 14,52,100 रुपये कैश बरामद हुआ। इनकी कुल मुद्देमाल की कीमत 2,10,67,971 रुपये 40 पैसे है।